दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया पर हर हर शंभू गाना बहुत वायरल हो रहा है और इस सॉन्ग के कॉपीराइट पर भी बहुत इश्यूज चल रहे हैं। असल में इस सॉन्ग को कंपोज अच्युता गोपी ने किया था, जो एक अमेरिकन कृष्ण भक्त हैं। उसके बाद वहां से ये गाना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ। फिर जब ये भजन अभिलिप्सा और जीतू शर्मा ने गाकर अपने चैनल पर पोस्ट किया तो ये भजन पूरे भारत में तेजी से वायरल हो गया और 3 महीनों में उस भजन पर लगभग 80 मिलियन व्यूज आ गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद ये भजन सोशल मीडिया की फेमस सिंगर फरमानी नाज ने गाया और उनका भी वीडियो वायरल हो गया। दोस्तों फरमानी ने भजन बहुत खूबसूरती से गाया और उन्हें तारीफ भी खूब मिली, लेकिन फरमानी ने ये गाना चुराया है, क्योंकि जीतू शर्मा और अभिलिप्सा ने जब ये गाना गाया था तो सॉन्ग के ओरिजिनल कंपोजर से परमिशन ली थी, लेकिन फरमानी ने ये सॉन्ग गाने के लिए किसी से परमिशन नहीं ली और ना ही अभिलिप्सा, जीतू या अच्युता जी को इस सॉन्ग का क्रेडिट दिया। फरमानी ने ये सॉन्ग अपना ही बताया, जो एक कलाकार के तौर पर उन्हें नहीं करना चाहिए था। फरमानी एक फेमस सिंगर हैं जो जमीन से उठकर आई हैं, वो इंडियन आइडल में भी नजर आ चुकी हैं, तो ऐसे में उनकी रेस्पेक्ट फैंस में अच्छी खासी है। लेकिन जब आप किसी दूसरे कलाकार का कॉम्पोजिशन लिरिक्स सेम टू सेम उठा लेते हो, वो भी बिना क्रेडिट बिना परमिशन के, तो ये तो फैंस को रास नहीं आएगा। इसीलिए बहुत से लोग फरमानी को चोर भी बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाते रहेंगे।